जब भी ब्रेक इवन चार्ट बनाना होता है ना, तो सबसे पहले कोई डेटा रेडी करते हैं। जैसे हम अज्यूम करते हैं, जैसे फर्ज कर लें कि हमारे पास नंबर वन आपको पता नहीं कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस हम अज्यूम करते हैं $10 है। नंबर टू आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, हम अज्यूम करते हैं $6 है, ठीक है। तो नंबर थ्री हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आना चाहिए, तो वो आ जाएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। 10 - 6 कितना आ जाएगा? $4 ऐसी। जी अच्छा, हम रिज्यूम करते हैं कि हमारे यूनिट सोल्ड 10,000 है, कितने हैं? 10,000। तो हमारे पास ई में टोटल रेवेन्यू का फार्मूला होता है सेलिंग सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड यानी आउटपुट। तो इस केस में कितना हो जाएगा? 10 × 10,000 जी डॉलर 1 लाख आ गया, ठीक है। यहाँ तक ले रहे? अच्छा, जी फिक्स कॉस्ट अज्यूम करते हैं कि वो है 20,000, ठीक है। कितनी है? 20,000। अच्छा, हम इसके बेस पे वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं। वेरिएबल फार्मूला है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड। इस केस में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? $6, ठीक है। और यूनिट जी प्रोड्यूस भी अज्यूम करते हैं 10,000, तो ये 60,000 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट का फार्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो इस केस में कितना आ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट आपकी 60,000 है, प्लस 20,000 वो है फिक्स कॉस्ट, तो ये आ जाएगा 80,000, ठीक है। अब आपके पास ब्रेक इवन यूनिट और ब्रेक इन वैल्यू, ये दो चीज़ें कैलकुलेट करने नहीं है। ब्रेक इवन यूनिट फार्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 20,000। फिक्स कॉस्ट 20,000 ये, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 4। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 5,000 आ जाएगा, सही। और ये फिर हम ब्रेक इवन डॉलर निकाल लेंगे, वैल्यू ब्रेक इवन डॉलर सिंपल, ब्रेक इवन यूनिट, ब्रेक इवन इन यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ब्रेक इवन यूनिट 5,000 है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 है, तो ये आ जाएगा $50,000। इसका स्क्रीनशॉट है, ये हमारा डेटा रेडी हो गया, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले जी रहे हैं, फिर आप मैं आपसे पूछता जाऊंगा तो मैं इसको रिमूव करके ड्रॉ करता हूँ ब्रेक इवन चार्ट। सही, ले ले स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ओके, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम ब्रेक इवन चार्ट बना रहे हैं। ब्रेक इवन चार्ट में ये वर्टिकल एक्सेस होते हैं और ये हॉरिजेंटल एक्सेस होते हैं। यहाँ पे यूनिट आएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्राइस, कॉस्ट और रेवेन्यू, ये तीन चीज़ें आती हैं। अच्छा, हमारी यूनिट है 10,000, कितने यूनिट है? तो जी हम इसकी 1,000 के हिसाब से डिवीजन कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ 3 0 लगा दें। तो ये 1,000, ये 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10, क्या क्लियर? अच्छा, हमारा टोटल रेवेन्यू था 1 लाख, कितना था? 1 लाख। तो
हम इसको वर्टिकल एक्सिस पे शो करेंगे और 10,000 के हिसाब से शो, इसकी डिवीजन यानी जो स्केल की जो डिवीजन होती है ना इक्वल होती है। जैसे 10,000 को मैंने 1,000 के हिसाब से डिवाइड कर दिया और 1 लाख को मैं 10,000 से डिवाइड कर देता हूँ। ये 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 और 1 लाख। तो यहाँ लिख देता हूँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, 50, यहाँ पे 60, यहाँ पे 70, यहाँ पे 80, यहाँ पे 90, यहाँ पे 100, और 3 जीरो आप यहाँ लगा। तो स्केल की डिवीजन समझ में आ गई, जी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अच्छा, सबसे पहले हम फिक्स कॉस्ट को ड्रॉ करेंगे। फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 20,000 थी ना, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये, इसके आगे फिक्स कॉस्ट आपने। ठीक है, अच्छा फिर हम ब्रेक इवन इन यूनिट वो ड्रॉ करेंगे। ब्रेक इवन यूनिट और ब्रेक इन वैल्यू। ब्रेक इवन यूनिट आ रहा था 5,000 रुपये, तो मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ। ठीक, और ब्रेक इन वैल्यू आ रहा था 50,000, 50,000 रुपये। तो आपने तो स्केल से काम करना है, ठीक है, इसको मैं हॉरिजेंटल ड्रॉ करता हूँ और परपेंडिकुलर गिरा देता हूँ 5,000 रुपये। ये ब्रेक इवन आ गई, ये पॉइंट। ब्रेक इवन डॉलर भी आ गया, ब्रेक इवन वैल्यू का, यहाँ तक क्लियर? जी अच्छा, 10,000 यूनिट पे हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो 1 लाख, ठीक है, ये 10,000 यूनिट यहाँ पे है और 1 लाख इधर आ रहा है, ऐसे ही है। तो इस जी ये डॉटेड लाइन एक ड्रॉ कर दूंगा ताकि मुझे इसको ज्वाइन करने में आसानी हो जाएगी, ये डॉटेड लाइन। और 10,000 के ऊपर मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, यार ये मेरा यहाँ पे पॉइंट बना दिया। अब अच्छा, टोटल रेवेन्यू हमेशा 0 से शुरू होता है, तो मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करूंगा। ब्रेक इवन को टच करते हुए आपने इसको गुजारना है और ये टोटल, ये आपका टोटल आगे समझ। जी अच्छा, टोटल कॉस्ट थी हमारी 80,000, कितनी थी? जी एट 10,000 यूनिट, ठीक है, तो 80,000 यहाँ पे आ रहा है। इसकी लाइन भी ड्रॉ कर दूंगा, डॉटेड लाइन खींच दूंगा और इसको यहाँ पे, ये डॉट यहाँ पे, समझ में आ गया? जी अब इसकी लाइन ड्रॉ कर दूंगा। टोटल कॉस्ट हमेशा फिक्स कॉस्ट के ओरिजिन से शुरू होता है, यहाँ से ये, इसको मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा और ब्रेक इवन से गुजारते हुए आपने इसको मूव कर दिया, ये टोटल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट याद है ना कैसे होता है? प्रॉफिट का मतलब है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो ये जो एरिया है ये प्रॉफिट का है, ये आपने लेबरिंग कर ली, ये ब्रेक इवन है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, और ये लॉस है, ठीक है, लॉस, याद है, क्लियर? जी अच्छा, यूनिट सोल्ड और ब्रेक इवन यूनिट के दरमियान का जो एरिया होता है उसको कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, याद है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट, ये भी आप मार्क, मतलब आपको लेबरिंग पता होना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर यहाँ पे आएगा और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेशियो ये यहाँ पे एरिया आता है या परसेंटेज। तो ये ब्रेक इवन चार्ट हमारा ड्रॉ हो, समझ में आए? जी अब हम क्वेश्चन वाला देखते हैं, जो कल हम क्वेश्चन कर रहे थे उसके अंदर भी ब्रेक इवन चार्ट बना हुआ था। अब आपको आसानी हो जाएगी कि ब्रेक इवन चार्ट कैसे ड्रॉ किया जाए। पहले हम उसका डेटा बनाएंगे, डेटा के बेस पे ना इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक जी है, ओके, वन सेकेंड। ये रिमूव कर दूं, आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले ले, वरना वीडियो में भेज दूंगा। ठीक, लिया देख सकते,
नजर आ रहा है आपको? जी इकल वाला क्वेश्चन है जो हमने यहाँ तक कर लिया था, याद है ये हमने कल यहाँ तक कर लिया था, रिवीजन के साथ भी कर लिया था। ये चेंजेस की थी, ठीक है, इसके बाद ये सारे जीरो कर लिए थे, आई थिंक ये रह गया था। अच्छा अभी इन्होंने आपको ग्राफ दिया है, प्रिपेयर अ ब्रेक इवन चार्ट फॉर प्रोडक्ट एक्जी फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2016, क्लियरली इंडिकेट एरिया ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है तो इसको देखते हैं। तो 10,000 यूनिट पे, तो यूनिट सेल हो रहे हैं 10,000, यहाँ पे दिए हुए थे ना 10,000, ये 40,000। एक सेकंड, अच्छा यहाँ पे ये दिया हुआ है, अनदर डिवीजन ऑफ हॉप्स लिमिटेड आल्सो मैन्युफैक्चर वन प्रोडक्ट द एक्जी, द फॉलोइंग डेट इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2016।
यूनिट सेलिंग प्राइस $20 है, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 15 है, वेरिएबल फिक्स कॉस्ट पर एनम 30,000 है, ठीक है, और वेरिएबल यूनिट है 8,000। इसकी बेस पे हमने क्या कैलकुलेट द मंथली ब्रेक इवन पॉइंट, पहले मंथली ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे रेवेन्यू, और उसके बाद उसी डेटा की बेस पे हम उसका जो है ग्राफ वो बना लें, ठीक है। जी पहले तो मंथली ब्रेक इवन पॉइंट रेवेन्यू निकाल लेते हैं, ब्रेक इवन वैल्यू का फार्मूला है, पहले ब्रेक इवन यूनिट निकाल लेते हैं, ब्रेक इवन इन यूनिट हमारे लिए आसानी हो जाती है। फिक्स कॉस्ट है 30,000, अच्छा इसने बोला है मंथली, तो हम पहले इसको डिवाइड कर देते हैं 12 से, ये निकाले ज़रा कितनी आ रही है मंथली, ट्वेंटी कितने, 25, 500 2500 मंथली आ गए, ठीक है। अच्छा तो ये यानी 25,000 फिक्स कॉस्ट आ गई मंथली, इसको कंटेंट पर यूनिट से डिवाइड करेंगे, 20 माइनस 50 5 आएगा, 500, 25,000 आएगा, 2500 नहीं आएगा, नहीं 2500 है, अच्छा ठीक है। हाँ तो हम 2500 है तो डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो ब्रेक इवन यूनिट कितना आएगा, 500 कितना आएगा, अच्छा ब्रेक इवन अच्छा तो हमने कल भी किया था, ब्रेक इवन डॉलर कितना आ जाएगा, 500 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, सेलिंग प्राइस 20 है, ये 10,000 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है आ जाएगा 10,000। अच्छा ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, जी ओके। अब हम इसका डेटा बना लेते हैं ब्रेक इवन के लिए, ठीक है, उसके बाद हम इसको चार्ट को ड्रॉ कर, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो उन्होंने दी हुई है, अभी जैसे हमने डेटा बनाया था, ये हम पहले डेटा बना लेते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट वो $20 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो है $15, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम निकाल लेते हैं $20 माइनस $15, तो आ जाएगा $5, ठीक। अभी हमने ब्रेक इवन यूनिट निकाला था, ब्रेक इवन यूनिट कितना आ रहा था, अच्छा वो मंथली था, वो क्या था मंथली, तो बेसिकली हम यहाँ पे 30,000 को 30,000 को ये फिक्स कॉस्ट है, सो कांटे पर यूनिट यानी 5 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा 6,000, वेट एक सेकंड एक सेकंड, अच्छा ये हमारा डेटा पे चला गया, ठीक तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट $20 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट $15 है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट $5 है, ठीक है। ब्रेक इवन यूनिट हमें निकालना है मंथली बेसिस पे, वो आएगा 6,000,
अभी आपको मैंने बताया था ना 30,000 फिक्स कॉस्ट है ये वाली, इस पर डिवाइड करेंगे अकाउंट पर यूनिट 5 आ रहा था तो ये 6,000 आएगा, ठीक है। ब्रेक इवन डॉलर पता होना चाहिए, तो वो आ जाएगा 5 6,000 इंटू 20, 6,000 इंटू 20 करेंगे है ना, तो ये आ जाएगा 180,000, 120,000 नहीं 120,000, ये आएगा 120,000, ठीक है। अच्छा फिक्स कॉस्ट गिवन है वो है 30,000, वेरिएबल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है, वेरिएबल का फार्मूला है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्रोड्यूस, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 15 है इनटू 8,000 इनटू, तो वन ये कितना आएगा, 15 इनटू 8 कितना आएगा, 20,000 120,000, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 120,000 प्लस फिक्स कॉस्ट 30,000, तो ये आएगा 150,000, ठीक है। टोटल रेवेन्यू आपका आएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 है और यूनिट सोल्ड आपके 8,000 है, तो ये कितने आएंगे, 160,000, 8 to the 16 होता है, हाँ 160,000 आ जाएगा, ये आपका टोटल लेवल आ गया। तो ये हमारा सारा डेटा हो गया, इसकी पिक्चर ले लें आप और फिर मुझे बताते जाइएगा, ले नहीं ली। एक सेकेंड, आपको मैंने कहा था आप ले रही थी ना, नहीं एक सेकेंड हो गया, एक सेकेंड, आपने स्क्रीन, चले वो याद है मैं देख लेता हूँ, तो ये हम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। यूनिट सोल्ड था 8,000, यूनिट सोल्ड था 8,000, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट आएंगे और यहाँ पे प्राइस कॉस्ट और रेवेन्यू, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और टोटल रेवेन्यू था 160,000, ठीक है। हम ये 2020 का बनाया था, 20 40 60 80 100 120 140 और ये 160, ठीक है। तो ये 20 40 60 ये 80, ये 100, ये 120, ये 140 और ये 160, ठीक है। फिक्स कॉस्ट ही 30,000, तो वही हम यहाँ ड्रॉ कर, ठीक है।
ओके, ब्रेक इवन यूनिट आ रहा था 6,000 यूनिट पर, ठीक है, ये 6,000 या 6,000, और क्या नाम है, ब्रेक इन वैल्यू कितना था, 1,6,000 इंटू 120,000, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, इसको हम परपेंडिकुलर गिरा देते हैं, ये इधर, तो ये वन, ये ब्रेक ही बना, वन सेलिंग, और टोटल टोटल लेवल नहीं आ रहा था, 160,000, ये 160,000 नहीं है, 8,000 यूनिट पे आपने इसको ड्रॉ कर देना है, ठीक है, और टोटल कॉस्ट आ रही थी, किस पे आ रही थी वो टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट 15 थी ना, हाँ 150,000, ये 150 यहाँ बने, ये डॉटर लाइन, ये आपने इससे मिला, दो पॉइंट मिल गया आपको। अब यहाँ से हम टोटल रेवेन्यू को ड्रॉ करेंगे, ब्रेक इवन को टच करते हुए, ब्रेक इवन को टच करेगी, ठीक है, और ये मिला दो, ये आपका टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट आपने यहाँ से शुरू करनी है, फिक्स कॉस्ट ओरिजिन से, इसको ये यहाँ टच करेगी ब्रेक इवन को, और इस, ये आपका टोटल कॉस्ट, बहुत माइनर एरिया है, 10,000 का ये प्रॉफिट एरिया है, ये लॉस एरिया है, इसको आपने ब्रेक इवन लिखना है, ठीक है, अच्छा जी बस यही शो कर रहा था, ठीक है, जी अब हम इनकम स्टेटमेंट वो देख लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट अब्सॉर्प्शन और मार्जिन कॉस्टिंग, ठीक है, देखिए एक सेकेंड होल्ड कीजिए,
उससे शुरू करते हैं, इनकम स्टेट के बारे में। पहले किया हुआ मार्जिन कॉस्टिंग, जी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किया हुआ आपने? अच्छा, जी फिर असल में बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। दो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एक मार्जिन कॉस्टिंग और एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ओके अच्छा, ये देख लें डेटा, इसको जी पढ़ ले अच्छी तरह पहले। हाँ, पढ़ लिया। पढ़ लिया आपने? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप पेपर का। ठीक है, ले लिया? ओके, अब
सबसे पहले हम यूजिंग मार्जिन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। 2 मंथ्स की बनानी है, ठीक है? कितने मंथ की बनानी है? 2 months. 2 मंथ, जनवरी और फरवरी। इसके अंदर पहले चार्ट बना देते हैं। ये जैन का, ये फैब का, ठीक है? लाइन लगाते हैं, इसके भी दो कॉलम बना देते हैं और इसके भी दो कॉलम, ठीक है? यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे। सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स, ठीक है? कितने कितने यूनिट सेल हो रहे हैं? 15,000. और सेलिंग प्राइस क्या है? 20. तो 15,000 इंटू 20 करेंगे। यहाँ पे आप वर्किंग लिखना चाहें तो लिख लें 15,000 इन, हाँ तो यहाँ पे 300,000 आ जाएगा, ठीक है? आप 3 के ऊपर भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक? चल, ओपनिंग इन्वेंटरी गिवन है, गिवन नहीं हो चेक? हाँ, नहीं है ना, ठीक है, ठीक लिखा है। तो यहाँ डैश डाल, इसमें ऐड करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ऐड करते हैं वेरिएबल वापस. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक वेरिएबल कॉस्ट वीवी, प्रोडक्शन लिखा हुआ है. $6 और $3 दिखा हुआ है मटेरियल के साथ। जी ये लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल 6 है और डायरेक्ट लेबर कितना है? 3। तो ये दोनों वेरिएबल कॉस्ट है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी 9। कितनी आएगी? नाइन यूनिट प्रोड्यूस कितने हो रहे हैं? 18,000. नहीं, बजट जी प्रोडक्शन आ रहा है 20,000। प्रोडक्शन से नहीं अच्छा मल्टीप्लाई हाँ, करना. अच्छा 18,000, ठीक है? तो 18,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? यानी जो एक्चुअली प्रोड्यूस है, ठीक है? तो कितना आ जाएगा? 162,000। यहाँ लिखेंगे वन, इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो भी वो है ना? क्योंकि नहीं आपने यूनिट कितने सेल किए हैं? आपने प्रोड्यूस 18,000 किए और सेल 15,000 किए हैं, तो क्लोजिंग इन्वेंटरी बच गई ना? ठीक कितने प्रोड्यूस किए हैं? हाँ, 300,000. मैंने कहा प्रोड्यूस कितने किए हैं? 18,000 ना, और हमने सेल किए 15,000, तो क्लोजिंग इन्वेंटरी आएगी ना, ठीक है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3,000 इनटू, अच्छा इसको हम मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, ये मार्जिनल कॉस्टिंग अब इनकम स्टेटमेंट, ठीक है? आपने लिख लेना ऊपर, तो इसको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री हो या क्लोजिंग इन्वेंट्री हो, आपने इसको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, और वो कितनी है? 9 है। कितनी है? 9 है ना, तो ये 21,000 आ जाए, तो 162 में, सॉरी 27, 162 में से 27 माइनस करेंगे तो 135 यहाँ पे आ जाए, ठीक है? इसमें से माइनस करेंगे तो 165 कंट्रीब्यूशन आ जाए। अच्छा, इसमें वेरिएबल सेलिंग और एडमिन नहीं दिया, वो भी आपने माइनस कर दिया, ठीक है? अलग से अभी तो वो है नहीं। 300,000 से मल्टीप्लाई किया था ना. हाँ, ये क्लोजिंग इन्वेंटरी, जी हाँ। तो मैंने कहा 3,000 यूनिट जो है ना आपकी, पहले तो आपने यूनिट निकाल लेने, वो कितने? 3,000 आ रहे ना, क्योंकि आपने यूनिट बनाया है 18,000, ये रहे, और आपने सेल किए हैं 15,000, तो 3,000 बच गए। तो 3,000 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से। किससे? वेरी पर यूनिट से। तो 3,000 इंटू 9 किया तो 27,000 आ गया।
अब 162,000 में से माइनस करेंगे 27,000, तो 13,500 आ जाएगा। 13,000, 13,500, 135,000। तो 300,000 में से माइनस किया तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन 165,000 आ, याद है क्लियर। जी अच्छा, अब इसमें से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। मार्जिनल में फिक्स कॉस्ट मार्जिनल हो या मार्जिनल में, जो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे दो आएगी, एक तो प्रोडक्शन आएगी, ठीक है, और एक सेलिंग एंड एडमिन आएगी। ये जो प्रोडक्शन जो होती है ना, ये बजट में आपने निकालनी है। प्रोडक्शन किस पे निकालनी है? बजट यूनिट पे निकालनी है। क्या गिवन है? फिक्स ओवरहेड दिया हुआ है, 100,000 दिया हुआ, ठीक है, जी तो ये 100,000 एक्चुअली यही है, बजट भी यही है, तो 100,000 यहाँ पे आ जाएगी फिक्स ओवरहेड। तो बेसिकली नेट प्रॉफिट आ जाएगा 65,000। क्लियर? अच्छा, अब हम फैब का बना देंगे। फैब में कितने यूनिट सेल हो रहे हैं? 21,000 तो यहाँ पे आप 21,000 दूसरी ब्रैकेट बना के लिख सकती हैं, इंटू 20, तो ये आ जाएगा 420,000। तो 420,000 आपने यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। ये है ना क्लोजिंग, तो इसी लाइन में 27,000 ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। ये बात है क्लियर है? उसके जी बाद वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितने यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं? इसमें भी 18 ही आ रहे हैं। जी में 18,000 इंटू 9 करेंगे तो सेम यही वाली कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी, 162,000। क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है इसके अंदर, फैब के अंदर? नहीं नहीं, तो यहाँ पे डैश आ जाएगी, ठीक है। तो इसके पैरेलल हम लिख देंगे 189,000। इसे सेम तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको क्लोजिंग तो जब है ही तो क्या से करेंगे। देखिए, आपने बनाया कितने यूनिट है फैब में? इन्वेंटरी नहीं, फैब में प्रोड्यूस कितने किए? 18,000 18,000। और सेल कितने किए? तो 21,000 इसका मतलब आपने बनाया 18 है और सेल 21 किए, तो 3,000 कहाँ से आए? ये वो है ना जो ओपनिंग इन्वेंट्री में पड़े हुए थे, जी समझ आ गई? तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में फिर जीरो हो गया ना, नहीं समझ आया? आगे आपने बनाया है 18,000, ठीक है, और सेल किए हैं 21,000, तो बाकी 3,000 जी कहाँ से है? जो पहले के पड़े हुए थे, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री में, ठीक है। तो इसका मतलब 21 माइनस 21 जीरो हो गया ना। तो अब आपने ये कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर देनी है, तो कंट्रीब्यूशन आएगा 231,000। क्या आएगा? 231,000। तो आप देखें कि इसमें वेरिएबल सेलिंग और एडमिन नहीं है, अगर वो गिवन होगी ना, वो भी आपने माइनस करनी है कंट्रीब्यूशन के अंदर। क्या चीज वेरिएबल, इसमें हमने जो वेरिएबल कॉस्ट माइनस की है ना, वो प्रोडक्शन की है। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट सेल्स की और एडमिन की भी होती है, ठीक सही समझ आ गई। जी मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस क्वेश्चन में वेरिएबल सेलिंग और एडमिन नहीं दिया हुआ, अगर इन केस दिया हो तो आपने जी उसको भी माइनस करना है, फिर कंट्रीब्यूशन लिखना है, ठीक है। और इसमें जो मार्जिन के अंदर जो फिक्स कॉस्ट आती है, एक तो प्रोडक्शन वाली आती है, ये मैंने प्रोडक्शन लिखना था, और दूसरी सेलिंग और एडमिन, सेलिंग और यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट आती है ना,
वो बजट पे आती है, बजट यूनिट पे आती है, ठीक है ठीक है। तो वो सेम ही रहती है ईच मंथ या ईच ईयर, सेम रहती है। तो अब प्रॉफिट आ गया 131,000, ठीक है। यहां तक क्लियर है? जी, ये इसमें स्क्रीन वो भी होता है ना, ओवर एब्जॉर्ब अंडर एब्जॉर्ब. वो एब्जॉर्प्शन में आएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपको पहले ओवर अंडर एब्जॉर्ब समझा दूं, फिर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे आते हैं। फिर इसमें एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी आता है, अच्छा। अब आपने स्टेप्स ये देख लें, हाउ टू कैलकुलेट अंडर एंड ओवर अप्लाइड, ठीक है। अंडर ओवर हेड अप्लाइड रिकवरी रेट व्हाटएवर, सबसे पहले आपने ओआर कैलकुलेट करना है। ओ यार का फार्मूला था बजट ओवर हेड, बजट, और यहाँ पे बजट यूनिट, जो भी बजट एक्टिविटी दी हुई है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। फिलहाल हम समझते हैं कि बजट यूनिट दी होंगे, ठीक है। ठीक है, इसमें बजट आवर भी आ सकते, लेबर आवर भी आ सकते हैं, मशीन आवर भी आ सकते हैं, किसी भी बेस पे दिए होंगे आपने ओआर कैलकुलेट कर लिया। कर लिया। दूसरे स्टेप्स पे ओआर हो गया, उसके बाद बजट ओवरहेड कैलकुलेट करना। यानी ओवरहेड रिकवरी, ओवरहेड रिकवर्ड, सबसे अब आपने कैलकुलेट करना है ओवरहेड इसको ओ या मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। फिर जी अंडर और ओवर, अंडर से कॉस्ट इंक्रीज होती है, ओवर से कॉस्ट रिड्यूस होती है, ठीक है। तो यह आएगा एक्चुअल एक्सपेंडिचर में से माइनस करना है ओवर रिकवर्ड, अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर ओवर रिकवर से ज्यादा है तो ये अंडर होगा, मतलब आपकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, और अगर कम है तो ये ओवर हो जाएगा, सही है। अगर अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर ओवर रिकवर्ड से ज्यादा है तो ये अंडर ज्यादा अंडर एब्जॉर्ब होगा, ये क्या होगा, अंडर एब्जॉर्ब, तो अंडर रिकवर्ड या अंडर अप्लाइड, ठीक है। और अगर एक्चुअल काम है ओवर रिकवर्ड से तो ओवर अप्लाइड, ओवर रिकवर्ड या ओवर क्या बोलते हैं अप्लाइड, ओवर अब्जॉर्ब। ओवर अब्जॉर्ब जब आता है तो कॉस्ट रिड्यूस होती है, और अंडर जब आता है तो कॉस्ट इंक्रीज होती है। तो अगर आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया है और इसको ट्रीट नहीं किया, तो अगर अंडर आ गया तो माइनस करेंगे कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट में से, अगर ओवर आ गया तो ऐड।
ठीक ठीक है। जी चल इसमें एक और चीज देखनी है। ठीक यानी ओवर अंडर या ओवर कैसे आएगा अगर बजटेड प्रोडक्शन यूनिट वाइज भी दे। बजटेड प्रोडक्शन जो है वो ग्रेटर देन एक्चुअल प्रोडक्शन हो तो क्या होगा, अंडर या ओवर? बजटेड प्रोडक्शन ग्रेटर देन हो ओवर एक्चुअल प्रोडक्शन से, ओवर ओवर होगा, होगा नहीं अंडर एक्चुअल होगा अंडर होगा ना, तो जी। ये अंडर होगा। इसका मतलब क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, सही ग्रॉस प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर जी। बीपी बजट प्रोडक्शन लेस देन एक्चुअल प्रोडक्शन हो तो ये ओवर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी और ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। सही है। तो अब देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। फिर वही क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टेबल बना दूं। ये जैन है, ये फैब, तो दो कॉलम में डिवाइड करते हैं, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सेल तो वही रहेगी, जैन को देखेंगे, सेल है 300,000, वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंटरी जो के नहीं है, फिर वेरिएबल कॉस्ट, फिर क्या आएगी, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर वो उसी तरह ही है। हाँ, फिक्स कॉस्ट आती लेकिन पहले वेरिएबल आएगी। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपने हमेशा पहले कैलकुलेट कर लेना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, $9, $9 है ना, और मल्टीप्लाई कितने करेंगी, यूनिट प्रोड्यूस से, तो थोड़ा शॉर्ट कर देता, थाउजेंड तो थोड़ा शॉर्ट कर देता, तो इसको शुरू से लिख देता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट $18 यूनिट प्रोड्यूस है और $9। ठीक है, तो ये 162 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिक्स प्रोडक्शन आएगा, क्या आएगा, तो एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे जो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आती है ना, वो
एक्चुअल यूनिट जो प्रोड्यूस हो रहे होते उसके ऊपर आ रही हो। बजट आपके 20,000 है, ठीक है। बजट कितने? तो थाउजेंड फिक्स प्रोडक्शन, फिक्स कॉस्ट यहाँ पे कैसे आएगी? 18,000 यूनिट आपने एक्चुअली प्रोड्यूस किए हैं, और मल्टीप्लायर में ओ ए आर, ओ ए आर कितना है? हमें ओ आर इसका कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो ओ आर इस तरह कैलकुलेट होगा, ये मैं ऊपर कर देता हूँ। हमारी बजट, बजट ओवरहेड कितने हैं? मैं बी ओ एच लिख देता हूँ। बजट ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजट यूनिट बी यू। बजट ओवरहेड है 100,000, क्वेश्चन में दिए हैं, दिए हुए ना। और बजट यूनिट 20,000, क्वेश्चन जरा देख लें। ठीक बजट ओवरहेड कितना दिया हुआ? 100,000 दिया हुआ। जी, फिक्स हाँ तो ऊपर लिखा हुआ है, हाँ फिक्स ओवरहेड बजट, बजट है। बजट का मतलब कि आपने पहले एस्टिमेट किया कि इतना फिक्स ओवरहेड परफॉर्म होगा, और है बजट यूनिट भी 20,000 दिया हुआ है ना, दिया हुआ। जी। इस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हो ओ आर निकालने, क्या निकालने है? क्योंकि हमें यहाँ पे जो फिक्स प्रोडक्शन कैलकुलेट करनी है ना, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्प्शन में, उसमें एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय ओआर, सही है। एक्चुअल जी यूनिट प्रोड्यूस कितने हुए? 18,000, ठीक है। जी और ओआर कितना है? 5 आ गया। जी तो देखिए 18,000 आपके एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस है, डॉलर 5, ये 90,000 आ गए। सही। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंटरी क्या आएगी? कितने यूनिट बच रहे? 3,000 बच रहे थे। अच्छा, जब भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपने कैलकुलेट करना हो, यानी एक काम आपने करना है, इसकी टोटल कॉस्ट पर यूनिट आपने निकाल लेनी है। टोटल कॉस्ट पर यूनिट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस ओ ए आर। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 9 है, ओ ए आर 5 है, तो कितना आ गया? 14 आ गया। टोटल कॉस्ट पर यूनिट जी कितनी आ गई? 14। जी 3,000 इस पे आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 42,000, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आएगा 210,000। कितना आएगा? 210,000। तो आपका यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट 90,000 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी फिक्स प्रोडक्शन, फिक्स कॉस्ट पर प्रोडक्शन तो हमने ऊपर ले ली, फिक्स कॉस्ट पर एडमिन एंड सेलिंग गिवन नहीं है, वरना वो माइनस करते। अच्छा, अब यहाँ पे अंडर अब्जॉर्ब और ओवर अब्जॉर्ब देखना पड़ेगा। अब देखें, ये बताएं बजट यूनिट कितने बनाने थे? 1 लाख, जल्दी से बताएं। बजट एटीन थाउजेंड नहीं, बजट यूनिट कितने बनाने थे? 1 लाख लिखा हुआ है। हाँ 20,000 सॉरी, बजट फिक्स हो, हाँ बजट यूनिट 20,000 बनाने थे, और हमने एक्चुअली कितने प्रोड्यूस किए? हमने कितने? 80। तो ये अंडर अब्सॉर्ब्ड है या ओवर अब्सॉर्ब्ड है? अंडर अब्सॉर्ब, ठीक है ना। तो अंडर अब्सॉर्ब्ड से क्या होता है? कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, अंडर अब्सॉर्ब्ड से कॉस्ट। जी अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पे अंडर अब्सॉर्ब्ड आएगा, ठीक है। जब भी, जी अच्छा, अब अंडर अब्सॉर्ब कैसे आएगा कि आपके, माइन हाँ दोनों डिफरेंस आ रहा है ना, 2,000 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो 2,000 अंडर अब्सॉर्ब यूनिट जो भी आ रहा है इनटू 5 कर, ओ आर करेंगे, और ओ आर आपका 5 है। ओ आर कितना है? 5। फाइव तो ये 10,000 आ जाएगी, तो 80,000 आप, आपका नेट प्रॉफिट 18,000 आ जाएगा। जाएगा, अब फैब में चले जाएंगे।
फैब में सेल है 420,000, ऐसी है। जी लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल तो ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री है 42,000 यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट उसी तरह आएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में वो सेम ही रहेगी 162,000। कितनी है? 162,000, सही है। जी अच्छा क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे आ रही है ना, 18,000 यूनिट बनाए थे, 18,000 इंटू 9 करेंगे तो 162 आ जाएगा, ठीक है। जी अच्छा अब फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट वो कितनी आएगी? वो भी सेम आएगी, क्यों? क्योंकि एक्चुअल यूनिट कितना प्रोड्यूस हुए? 18,000 में, और ओआरपी 5 तो वो 90,000 ही आ जाएगा ना। एब्जॉर्प्शन में जो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है ना वो चेंज होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में सेम इसलिए आ रही है कि यूनिट प्रोड्यूस सेम है। क्लोजिंग तो है नहीं, ठीक है, तो जी ये आएगा 294,000 कॉस्ट ऑफ सेल, ये माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आया 126,000, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब बताएं अंडर, इसमें भी हमारा वही यूनिट अंडर ग्राउंड, अंडर ग्राउंड आएगा ना, 10,000 ही आ जाएगा, क्योंकि यूनिट प्रोड्यूस बजट यूनिट से कम है, तो ये 10,000 यहाँ लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 116,000, ठीक है। तो अब इसका बना लेते हैं रिकंसिलेशन जल्दी से, ट्रेंड करते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप, अब बना लेते हैं रिकंसीलेशन स्टेटमेंट। समटाइम्स ये आपसे इन्फोर्स करता है कि आपने प्रॉफिट मार्जिनल से शुरू करना है और अब्जॉर्प्शन फाइंड करना है, ठीक है, और सम टाइम आपके ऊपर छोड़ देता है, सही है। अभी जी इस केस में कह रहा है स्टेटमेंट टू रिकनसाइल द मार्जिन कॉस्ट प्रॉफिट विद द अब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्रॉफिट ऑफ जनवरी, जनवरी का मांगा, जनवरी का मांगा ना, विद द अब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नहीं है ना? हाँ सही, वो दिया हुआ, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द मार्जिन कॉस्ट प्रॉफिट विद द अब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्रॉफिट पर जनवरी, ठीक है। जी इस केस में हम मार्जिन कॉस्ट प्रॉफिट लिखेंगे और सिर्फ जनवरी का मांगा है, तो प्रॉफिट प्रॉफिट एज पर मार्जिन कॉस्टिंग, एमसी का मार्जिनल कॉस्टिंग, और वो आया था 65,000। कितना आया था? अच्छा 65,000 अब आप ये देखें, हम क्लोजिंग इन्वेंट्री का डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, ओपनिंग का और क्लोजिंग इन्वेंट्री का डिफरेंस निकालते हैं, तो ठीक है। तो जनवरी में क्लोजिंग इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है, नहीं ओपनिंग नहीं थी ना। अच्छा हम ये थी। देखते हैं मार्जिनल की ओपनिंग और एब्जॉर्प्शन की ओपनिंग, पहले तो उनका डिफरेंस निकालते हैं और उसको, हाँ वो दोनों दोनों नहीं है वो तो छोड़ दें, ठीक है। अगर वो होती तो मार्जिन कॉस्टिंग के प्रॉफिट में से वो माइनस करते, अब क्लोजिंग आ जाएगी मार्जिन कॉस्टिंग, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग से क्लोजिंग जी इन्वेंट्री कितनी है? 27,000, ठीक है, और जी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में यहाँ पे हम ऐड करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री डिफरेंस,
जी मार्जिनल में है 42,000, ठीक है, कितनी है? और 42,000 अब्सॉर्प्शन, सॉरी मार्जिनल में गलत लिख दिया, मार्जिनल वैसे 42,000 उसके अंदर है, अब्सॉर्प्शन के अंदर, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, अब्सॉर्प्शन में 42,000 है और मार्जिनल में क्या क्या 27,000 है, कितनी है? 27,000 15,000 आ जाएगा। अगर ओपनिंग होता तो मैं इसको लेस करता, ओपनिंग इन्वेंट्री डिफरेंस। किस केस में? जब प्रॉफिट आपका एब्जॉर्ब मार्जिनल हो और आपने फाइंड आउट करना हो एब्जॉर्प्शन, क्लोजिंग इन्वेंट्री का डिफरेंस ऐड करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री का डिफरेंस माइनस करेंगे, अगर ये होता तो। इस केस में देखिए 90,000 आ गया, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट, सही है? जी अब देखें, अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्रॉफिट से शुरू करती हैं तो ओपनिंग इन्वेंटरी का डिफरेंस आप ऐड करेंगी, क्लोजिंग माइनस करेंगे तो मार्जिनल आ जाएगा, है ना? 90 में से 15 माइनस करें 65 ही आ जाएगा, ठीक जी है? बस ये था। अब इसमें दो कैटेगरी क्वेश्चन और रह गए, एक तो डिसीजन मेकिंग के और लिमिटिंग फैक्टर क्वेश्चन है, जॉब क्वेश्चन एब्जॉर्प्शन कॉस्ट के। हाँ क्वेश्चन वो तो साथ ही हो जाएगा, वो भी हो, वो उसके साथ किया था ना हमने डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो ओवर एनालिसिस शीट के साथ, वो एक तो और देख लेंगे ना, कल इसको खत्म करते हैं ना ताकि ये तो खत्म हो। आपको जो मैंने पेपर भेजा है ना उसको भी करें ताकि लेटेस्ट क्वेश्चन आपके माइंड में हो, और उन वीडियोस को भी देखें। आप पूरे दिन में दो पेपर तो करें, नहीं हो रहे क्या? वो मैं इंडिविजुअली कर रही हूँ टॉपिक्स के, तो करें, लेकिन जो मैं आपको भेज रहा हूँ वो भी तो देखें। मैंने किया था मेजिंग वाला जॉब अच्छा भेजा था कौन सा है? 21, 22, वो 21 नहीं तो मैंने परसों भेजा था, वो और 22 जो आज भेजा था देख रही वो भी आज देख ले, ताकि फिर मैं आपको 23 भेज दूँ, ठीक है क्योंकि फिर हमने नवंबर 23 के पेपर भी देख लें ना, मोस्ट सही लेटेस्ट, तो आप इसको जल्द जल्द जल्दी से कर लें। पूरा पेपर करने का मतलब है आपको पूरा पेपर आना चाहिए, टॉपिकल तो जो ग्रिप, टॉपिकल अलग, ग्रिप टॉपिकल का टाइम अलग रखें और पूरे पेपर का टाइम अलग रखें, ताकि उस आप देखेंगे आपसे पूरा पेपर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है? कल फिर देखते हैं, कल आप।